पीने के पानी को बोतल में पैक करके बेचना आज के टाइम पे कोई बड़ी बात नहीं है, और हम लोग खरीद भी रहे हैं। पर आप ये भी सोचिए कि पानी तो फ्री का नेचुरल रिसोर्स था, फ्री में मिलता था। अब इस फ्री की चीज को भी जिसने बेचने की सोची वो बंदा बहुत दिमाग वाला होगा ना। पर सवाल ये उठता है कि वो बंदा था कौन। चलिए मैं आपको बताता हूँ। 1965 में इटली के रहने वाले फेलिस बिस्लेरी को सबसे पहले आइडिया आया था, और तब उन्होंने बिस्लेरी को शुरू किया था। लेकिन इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट करने वाला कौन था पता है? इंडिया में इस चीज को एग्जीक्यूट किया था पार्ले के फाउंडर रमेश चौहान ने, जिन्होंने बिस्लेरी को 4 लाख रुपयों में तब खरीदा था। और आज के टाइम पे पार्ले बिस्लेरी का ईयरली टर्नओवर 200 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है। गाइस, आइडिया इज एवरीथिंग जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तो आइडिया सोचो। ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। यू नो मोस्ट एंटरटेनिंग यूट्यूबर कौन लगता है? जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। मतलब आपको लगता है कि बहुत मजा आता है उसको देख के। यूट्यूबर, अब यूट्यूबर में कोई भी यूट्यूबर हो सकता है। फुल्ली खुल्ली छूट दे दी तुम लोगों को। भारत ने अभी तक टोक्यो ओलंपिक में 2 ही मेडल अपने नाम किए हैं, जिसमें से एक है सिल्वर और दूसरा है ब्रॉन्ज। मजे की बात यह है कि दोनों के दोनों मेडल्स भारतीय महिलाओं ने भारत के लिए जीते हैं, जिसमें से पीवी संधू पहली ऐसी भारतीय महिला बन गई हैं जिन्होंने इंडिविजुअली 2 ओलंपिक मेडल्स अपने नाम किए हैं। सबसे पहले तो लास्ट संडे को उन्होंने चाइना के खिलाड़ी को हराकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया, और फिर उससे पहले 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। इसी तरह से भारतीय इतिहास की वो पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स अपने नाम किए हैं। गाइस, हेड्स ऑफ टू पीवी सिंधु। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो। गाइस, अगर आप लोग भी ये सोचते हैं कि डायमंड कोयले से बनता है तो आप लोग शायद गलत हैं। चलो थोड़ा फैक्ट चेक कर लेते हैं। हम ये मानते हैं कि कोयला कार्बन से बनता है और डायमंड भी कार्बन से बनता है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हम लोग ये कह दें कि डायमंड कोयले से बनाया जाता है या बनता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो कोयला होता है वो अर्थ से 2 या 3 किलोमीटर नीचे पाया जाता है, और उसके साथ कुछ मेटल की इंप्योरिटीज भी होती हैं। लेकिन डायमंड एक्चुअली अर्थ से 90 किलोमीटर नीचे बनता है, और ये तब बनता है जब कार्बन बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर पे कंप्रेस हो जाता है। है ना ये इंटरेस्टिंग फैक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड कोयला नहीं है। ये आप लोग, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या ये पॉसिबल है कि एक फ्लाइट इस साल उड़े और पिछले साल यानी कि बीते हुए साल में लैंड करे, मैं कोई मिस्टीरियस घटना की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन रियल इन जनरल पूछ रहा हूं, क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है और ये हुआ भी है। यूनाइटेड एयरलाइंस की एक फ्लाइट शंघाई से 1 जनवरी 2017 को उड़ी थी और 31 दिसंबर 2016 को सैन फ्रांसिस्को में लैंड हुई थी। अब ये सिंपल लॉजिक है। देखिए, उस दिन न्यू ईयर था और हर एक कंट्री का टाइम जोन अलग अलग होता है, इस वजह से ऐसा हुआ था। ये कोई मिस्टीरियस घटना नहीं है। गाइस, आपको ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोज के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में। कौन बनेगा करोड़पति, ये शो जिस रियल शो से इंस्पायर्ड है उसका नाम है हु वॉन्ट्स टू बी ए। हेलो एडिसन, कांग्रेचुलेशंस फॉर 10 मिलियन फैमिली, मतलब 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और उसी की खुशी में मैंने आपका एक स्केच बनाया। तो आपको कैसी लगी पूरी वीडियो और स्केच भी कैसा लगा? सो मैं आपसे कांटेक्ट करना चाहता हूँ और मैं आपको स्केच देना चाहता हूँ, तो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट करो। इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, और जीमेल मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन है जीमेल की। सो प्लीज मुझसे कांटेक्ट करो और कमेंट करके बताओ सभी लोग कि ए टू सर की पेंटिंग आपको कैसी लग रही है। सो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर दो और अच्छे से कमेंट कर दो।